हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम नया वीडियो लेके आए जो वहाँ पे हम कवर करने जा रहे हैं इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का वुमेन सीरीज़ का जो सेकंड मैच होने वाला है, सेकंड ओडीआई मैच होने वाला है, उसके बारे में, सारे प्लेइंग इलेवन के बारे में, साथ ही साथ में ड्रीम टीम और साथ ही साथ में हाला प्लेस के आपको थोड़े बहुत स्टैट्स मिल जाएंगे, कौन से प्लेयर्स पिक करने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलेगा। अगर आप अंत तक नहीं देखोगे आप तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, एक लिंक दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, पहला लिंक है जो आपको टेलीग्राम ग्रुप का मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आप ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आपको मिल जाएंगे यहाँ पे की प्लेयर, साथ ही साथ में कैप्टन और वाइस कैप्टन जो मुझे लगते हैं इस मैचेस में होने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे नोटिफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं होता, उस वजह से मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे आपको दूसरा लिंक मिल जाएगा, वो होगा माई टीम 11 करके एक एप्लीकेशन है, तो उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। तो ये है माई टीम 11 का इंटरफेस है, आप जैसे देख सकते हो एक अच्छा सा लुक दिया हुआ है यहाँ पे उन्होंने। और यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे मुझे जिसने अट्रैक्ट किया है वो है एंट्री फ़ीस। तो एंट्री फ़ीस आप यहाँ से देख सकते हो बहुत ही लो प्राइजेस से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आप, और साथ ही साथ में विनिंग्स भी बहुत बड़े बड़े, और यहाँ से फोर है, फिर यहाँ से आप देख सकते हो 10, 12, 15, 17, 19 और 22, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हैं। तो ड्रीम इलेवन में 24 रुपीज़ इन्वेस्ट करने से अच्छा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रीम इलेवन में 24 रुपीज़ इन्वेस्ट करने से अच्छा है यहाँ पे 6 टीम लगाओ और यहाँ पे 4-4 रुपये की आप लीग ज्वाइन कर सकते हो। तो एक बहुत ही बढ़िया, अगर आप मल्टीपल लीग्स खेलते हो, विनिंग्स ज़्यादा चाहते हो, तो यहाँ पे आप जा सकते हो। इस ऐप को आप एक बार कर सकते हो इन डाउनलोड। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्रिकेट ही नहीं है सिर्फ, यहाँ पे फुटबॉल भी मिल जाएंगे आपको, यहाँ से कबड्डी भी स्टार्ट हो रही है सुन। तो आप तीनों भी चीज़ें यहाँ पे आप अच्छे खासे खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना पड़ेगा, साथ ही साथ में ईमेल आईडी वेरीफाई करवानी पड़ेगी, और साथ ही साथ में आपको पैन नंबर भी आपको यहाँ पे वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पे मिलेगा 100 रुपीज़ का, जो 100 रुपीज़ का कैश बोनस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको रेफरल कोड चाहिए तो फिर आपको यहाँ पे नीचे डाउन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा दूसरे लिंक। और यहाँ पे एंड्रॉइड का भी एप्लीकेशन और iOS का भी है, तो दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाइए और साथ इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर लेना। तो मैं तो खेलने मुझे तो बस मज़ा आ रहा है यहाँ पे, एंट्री फ़ी देख के उस वजह से मैं ज़्यादा खेलना स्टार्ट किया मैंने यहाँ पे, तो आप खेलना चाहते हो तो आप खेल सकते हो। तो यहाँ पे चलते हैं, अभी बाकी सारी चीज़ों को साइड में रख के यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जिसके लिए आप यहाँ पे आओ, सारे के सारे न्यूज़ और रिपोर्ट्स लेके आओ, तो आप यहाँ पे अंत तक देखना मत भूलेगा। तो यहाँ पे सेकंड ओडीआई का साउथ अफ्रीका वर्सेस वुमेन सीरीज़ का जो टूर है, ICC चैंपियनशिप मैच है, तो जो भी पॉइंट्स मिलेंगे वो ऐड होंगे वर्ल्ड कप में, तो ये बहुत ही दोनों टीमों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस होने वाले हैं। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वेन्यू होने वाला हो, जो June 12 को होगा 5:30 के आसपास, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से होने वाला है। यहाँ पे पिच कंडीशन के बारे में बात कर रहे हो, तो यहाँ पे बैट्समैन और बॉलर दोनों को फ़ायदा होता है, जहाँ पे हम लोग ने देखा इंग्लिश ODI कप्स में भी दोनों को फ़ायदा होते हुए नज़र आया था। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एवरेज स्कोर होने के चांसेस हैं, यहाँ पे 250 से लेके 288 तक, जहाँ पे मैन सीरीज़ के बारे में हमने देखा है कि यहाँ पे 252-288 तक स्कोर बनता ही है, तो एक और विकेट्स भी गिरते हैं, ऐसा नहीं है कि विकेट्स नहीं गिरते, लेकिन विकेट्स भी गिरते हैं और बैट्समैन को भी फ़ायदा होता है, तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। यहाँ पे वुमेन सीरीज़ से थोड़ा सा लो स्कोर हो सकता है, लेकिन 200 से लेके 250 का स्कोर देखने मिल सकता है, अगर दोनों तरफ से बैटिंग अच्छी रही तो, या फिर उससे ज़्यादा भी देखने मिल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं टीम न्यूज़ के बारे में, तो यहाँ पे इंग्लैंड की तरफ से थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की वजह से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जीत की हुई फर्स्ट ODI उन्होंने जीत लिया है। तो अब बात कर लेते हैं प्लेइंग इलेवन के बारे में, जहाँ पे इंग्लैंड की तरफ से आपको मिल जाएंगे विकेट कीपर सारा टेलर, फिर बैट्समैन में मिल जाएंगे हिदर क्नाइट, फिर डैनियल ब्रॉट, फिर यहाँ से टैमी ब्रूमोंट, तो ये तीन ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे ऑलराउंडर के बारे में बात कर लेते हैं, एंसेल्वी, फिर यहाँ से केप ब्रून, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मिल जाएंगे। केप ब्रून लास्ट गेम में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था, और हम लगा प्रिडिक्शन भी था लास्ट गेम में उनके कैप्टन और वाइस कैप्टन लगाना एज अ यहाँ पे ग्रैंड लीग्स में, तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहा हमारी तरफ से। तो यहाँ पे बहुत यहाँ इस मैच में बात कर लेते हैं बॉलर्स की तरफ से, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं शुभ शो लाते हुए नजर आ जाएंगे, फिर सोफी एल्कस्टोन है, फिर जेनिक गन है, और फिर यहाँ से लॉरा मार्स है, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ से मिल जाएंगे। फिर यहाँ से विकेट कीपर के ऑप्शन साउथ अफ्रीका की तरफ से बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको विकेट कीपर में ऑप्शन मिल जाएंगे ली, जो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मिल जाएंगे आपको यहाँ पे विकेट कीपर में। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं बेस्ट वूमेन में, फिर यहाँ से मिल जाएंगे लॉरा, फिर ट्रायन, और फिर यहाँ से मिकॉन। लॉरा भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया पिक हो सकता है इस मैच के लिए भी,
बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देती है ओडीआई टीम में, लेकिन लास्ट गेम में नहीं दिया था, लेकिन होप करते हैं इस मैच में आपको नज़र आ जाएंगे अच्छी खासी परफॉर्मेंस देते हुए। फिर यहाँ से बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स में, एम कैप है, फिर डैनी जो कैप्टनसी करते हुए नज़र आ जाएंगे, लूज भी एक अच्छे खासे ऑलराउंडर है लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया अभी तक। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं बॉलर्स की तरफ से, यहाँ पर इस्माइल है, फिर यहाँ से खाका है, फिर यहाँ से नाटो साखे, और फिर यहाँ से थोड़ा ये वाला जो स्लॉट है लास्ट वाला वो थोड़ा रिस्की हो सकता है, कार्ल्स को भी मौका मिला जा सकता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के जो मैच का जो स्क्वाड है वो आपको यहाँ पे मिल दिख जाएगा, तो आपको रीड करना है तो आप रीड कर सकते हो। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे की प्लेयर्स के बारे में, जो फर्स्ट ओडीआई के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट ओडीआई में केप ब्रून ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, अनबीटन 72 रन मारे थे, और यहाँ से सौरभ शोल ने 2 विकेट्स निकाले थे 36 रन देखे, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मिल सकता है ये दोनों का तरफ से। और यहाँ पे साउथ अफ्रीका की तरफ से यहाँ पे ली ने अनबीटन रहे थे 92 रन मारे थे, और यहाँ से इस्मेल और फिर यहाँ के खाका ने यहाँ पे 3 विकेट्स निकाले थे, तो बहुत ही बढ़िया पिक्स हो सकते हैं दोनों भी। तब बात कर लेते थोड़े बहुत जो इंग्लिश ओडीडी कप्स में हुए थे उनके कौन से बॉलर्स आपको पिक करने चाहिए, उनके थोड़े बहुत स्टैट्स, अगर जो भी वीडियो को देख रहे हैं अगर वो मेरे साथ पहले से है तो उनको पता होगा मैंने आईपीएल में भी ऐसे स्टैट्स देने स्टार्ट किए थे, लेकिन इस मैच में थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा देने जैसा है तो उस वजह से मैं देखे आपके लिए। तो यहाँ पे जो इंग्लिश ओडीडी की तब ओडीडी मैच हुए थे इस ग्राउंड पे जो 3 मैचेस हुए थे, आप जाके चेक करना चाहते हो आप चेक कर सकते हो क्रिक बस पे तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे सारे ऑप्शंस। तो यहाँ पे बात कर लेते हो सबसे पहले गेम में जो कैसे लिखा हुआ है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट निकाले थे, और यहाँ पे स्पिनर्स ने फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट निकाले थे, यहाँ पे पेसर्स ने सेकेंड इनिंग में 3 विकेट्स निकाले थे, और यहाँ पे 0 विकेट्स निकाले, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टैट है। वैसे ही दूसरे मैच में फर्स्ट इनिंग्स में 7 विकेट निकाले थे पेसर्स ने, और 1 विकेट निकाले थे स्पिनर्स ने, और फिर यहाँ से पेसर्स ने फिर 7 विकेट्स निकाले, और फिर यहाँ से वापस सेकेंड इनिंग्स में स्पिनर्स ने 1 विकेट निकाले थे। और यहाँ पे जो गेम पलटा है तो यहाँ पे जो मैं बता दूँ पेसर्स फिर तीसरे मैच में पेसर्स ने कम विकेट्स निकाले और स्पिनर्स ने 2 विकेट निकाले, और फिर यहाँ पे सेकेंड इनिंग में पेसर्स ने 3 विकेट निकाले और यहाँ से स्पिनर्स ने 7 विकेट निकाले। तो ये ग्राउंड जैसे आप देख सकते हो इनका टोटल मैंने लिखा नहीं है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 27 विकेट्स निकाले थे यहाँ पे, और यहाँ पे 16 रहे, तो ये 27:16 का रेशियो है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा करके आप स्पेसर्स रख सकते हो और स्पिनर्स को भी आप रख सकते हो, तो आप डोमिनेट नहीं कर सकते हो पेसर्स के साथ, और यहाँ पे आपको स्पिनर्स के विकेट्स निकालते हुए भी आपको नज़र आ सकते हैं। मेरे हिसाब से आज इस बार पेसर्स जो लास्ट गेम में बहुत ही डोमिनेट किया था, स्पिनर्स को इतने विकेट्स नहीं मिले थे, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है स्पिनर्स को विकेट्स मिलने वाले हैं, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। यहाँ पे आप चाहिए तो 3 बॉलर्स ले रहे हो, तो यहाँ पे आप एक काम कर देना 2 पेसर्स रख लो और फिर 1 स्पिनर्स तो ज़रूर रखना, या फिर 2 पेसर्स और फिर 2 स्पिनर्स, आपके हिसाब से आप जैसे टीम बनाना चाहते हो तो वैसे आप टीम रख सकते हो। यहाँ पे आपका स्टैट्स है, आप अपने हिसाब से आप यहाँ पे आप एनालाइज करके आप अपनी टीम बना सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट स्टैट्स हो सकते हैं। यहाँ से हम बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम के बारे में, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक अपनी टीम बता देता हूँ जो मैंने आपके लिए बनाई है, तो यहाँ पे मैं आपको एडिट करके भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे विकेट कीपर ऑप्शन में से आपको मैंने लिया हुआ है ली को, तो आप जा सकते हो। सारा टेलर को भी अगर आप ड्राइंग लीग में आपको ट्राई करना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो मल्टीपल लीग्स में। यहाँ पे सिर्फ 22% पब्लिक ने लिया हुआ है, तो आप चलते हैं बैटिंग सेक्शंस में। यहाँ पे आपको बैटिंग में ऑप्शंस मिल जाएंगे बहुत सारे, लेकिन आप कौन से पिक कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कौन से पिक किया हुआ है, वहाँ पे मैंने पिक किया हुआ है लॉरा को, यहाँ से मैंने हिदर क्राइट को, फिर डैनियल ब्रॉड को, और फिर यहाँ से मिगॉन को भी। तो आप कौन से आप यूज़ कर सकते हो, टैमी ब्रूमॉन्ट को, फिर यहाँ से ट्रायन को भी आप यूज़ कर सकते हो, बाकी सारे डाउटफुल हो सकते हैं उस वजह से मैंने उनको पिक नहीं किया हुआ। तो आप इन दोनों में से आप अगर मल्टीपल लीग्स में आप ट्राई करना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स के सेक्शंस में से, यहाँ से मैंने लिया हुआ है डैन, फिर यहाँ से मैंने लिया हुआ है एनसेल सिल्वी को, फिर यहाँ से एम कैप को। तो आप यहाँ पर कौन से ले सकते हो, जिनी गन को ट्राई करना चाहते हो आप ट्राई कर सकते हो, ये भी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। तो अब चलते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ, तो बॉलिंग सेक्शन में मैंने जैसे सबको बताया मैंने यहाँ पे 2 पेसर्स को लिया हुआ है, एक स्पिनर्स को लिया, तो यहाँ से मैंने लिया हुआ है इस्माइल को जिन्होंने लास्ट गेम में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, केप ब्रून को लिया हुआ है तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, तो आप और यहाँ से मैंने लिया हुआ है एल्कस्टोन को। तो मेरे हिसाब से मुझे इस बार लग रहा है कि एल्कस्टोन 3 से 4 विकेट्स लेके जा सकते हैं, जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था इंडिया की तरफ भी, तो एक ही गेम में 4 विकेट्स लेके
गई थी, दो मैचेस में चार चार विकेट्स लेके गए थे, तो इस वजह से मैंने उनको पिक किया हुआ है, एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं यहाँ से। आप और कौन से ऑप्शन हैं आपके पास, तो आप यहाँ से आप जा सकते हो खाका के साथ भी आप जा सकते हो, फिर यहाँ से आप जा सकते हो नोटा साके के साथ भी, तो ये भी एक स्पिन गेंदबाज है, तो ये भी एक अच्छी खासी ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप इनके साथ भी आप जा सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मैंने यहाँ से सेफ रखा हुआ है दोनों भी, तो यहाँ से मैंने लिखा हुआ रखा हुआ है डैन के साथ और फिर एन-W के साथ। तो यहाँ पे और कौन से ऑप्शन हैं आप जा सकते हो, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आप सबसे मेन चीज़ आपको देखने मिल जाएगी यहाँ से ली, एक बढ़िया ऑप्शन मिल जाएगा आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। फिर यहाँ से आप रख सकते हो लॉरा को, आप एक ट्राई कर सकते हो, वॉट को भी आप ट्राई कर सकते हो, मिगोन को आप ट्राई कर सकते हो, हिदक नाइट को शायद से थोड़ा रिस्की हो सकता है लेकिन ट्राई करना चाहते हो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट पिक्स हो सकते हैं। फिर आप यहाँ पे दिख जाएंगे डैन के साथ, एन-W के साथ आप जा सकते हो, फिर यहाँ से एम कैप के साथ आप जा सकते हो। एक ग्रैंड लीग टिप दे देता हूँ यहाँ पे आपको, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप ट्राई कर लेना, एल्कस्टोन कोई ना कोई मैच में तो चलने वाली है, तो इतना तो मुझे पता ही है, लेकिन इस मैच में चल गए तो आपके लिए एक वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग के लिए हो सकता है, या फिर कैप्टन भी आप रख सकते हो, लेकिन वाइस कैप्टन रखना ज़्यादा रिस्क में लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप के ब्रूंड को रख सकते हो, जैसे कि लास्ट गेम में हमने रखा था, तो आप वैसा कुछ रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, इस मेल के साथ भी आप जा सकते हो, तो ये कि बहुत सारे के सारे बढ़िया ऑप्शन हैं यहाँ पे आपके पास बॉलिंग सेक्शन में, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, तो हमने तो अभी डैन की तरफ रखा हुआ है और एन-W के साथ, दोनों भी सेफ ऑप्शंस रखे हुए हैं, लेकिन आप चाहते हो तो वाइस कैप्टन ली को रख लो फटाफट, तो के ब्रूंड को रख सकते हो, एल्कस्टोन है और फिर एस-W, ये सारे ऑप्शंस बहुत ही बढ़िया हो सकते हैं, या फिर एम कैप के साथ आप जा सकते हो। लेकिन एक और एक ऑप्शन दे देता हूँ, जब आप डैन एक साउथ अफ्रीकन टीम के साथ रख रहे हो, तो आप एक इंग्लैंड की तरफ से वाइस कैप्टन रखना चाहते हो, तो आप डेव ब्रॉड के साथ आप जा सकते हो, तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, तो ऑल द बेस्ट फॉर द गेम और थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।